हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ मैट्रिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, शॉर्टेस्ट मेथड एवर। छोटे से छोटे तरीके से उसको किस तरीके से विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं मैट्रिक्स का शॉर्टकट मेथड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला जो होता है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये हमारा एक बेसिक फार्मूला है जो हर किसी को पता है। हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबसे पहले निकालना इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमें देखना है कि क्या मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ जाता है तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विल नॉट एग्जिस्ट। तो उसको डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका हमें पता है, सबसे पहले वन ले लेंगे, फिर थ्री इंटू वन थ्री, माइनस टू इंटू जीरो जीरो, फिर माइनस, फिर सेकेंड नंबर टू, फिर इसके नीचे और आप बाजू वाला छोड़ देंगे, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, जीरो इंटू जीरो जीरो, फिर माइनस टू, फिर ये इसके नीचे की लाइन डायगोनल, इसकी जो नीचे और साइड की लाइनें छोड़ देंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को, बाकी ले लेंगे माइनस टू इंटू वन टू एंड अगेन जीरो, इट विल बी थ्री इंटू वन थ्री, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू, माइनस फोर इज इक्वल टू वन विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। यहाँ तक हम चले गए। अब हमें एडजॉइंट ए निकालने के लिए बहुत सिंपल ट्रिक है, पहले जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है उसे आप लिख लीजिए। हमें एडजॉइंट ए कैसे निकालना है, सबसे पहले आप मैट्रिक्स को लिख लीजिए, वन टू माइनस टू माइनस वन थ्री जीरो जीरो माइनस टू वन, पहले वाले दो जो कॉलम है उनको रिपीट कर दीजिए, वन माइनस वन जीरो टू थ्री माइनस टू। अब ये ऊपर के जो दो रो है इनको रिपीट कर दीजिए, सबसे पहले हमने दो कॉलम रिपीट किया, अब ऊपर के दो रो जिनमें पांच एलिमेंट्स हैं उनको रिपीट करेंगे, वन टू माइनस टू वन टू माइनस वन थ्री जीरो माइनस वन और थ्री। अब पहले वाले रो को और पहले वाले कॉलम को कट कर दीजिए, पहले वाले रो और पहले वाले कॉलम को कट कर दिया। अब हम जो कैलकुलेशंस करेंगे एडजॉइंट ए निकालने के लिए, वो कैलकुलेशंस को हम कॉलम वाइज करेंगे और लिखेंगे रो वाइज, मींस कैलकुलेशन कॉलम वाइज बट राइट इट इन रो। और हमको लिखना रो में, कॉलम और रो में चलना है। किस तरीके से करेंगे देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है। थ्री इंटू वन थ्री, माइनस टू इंटू जीरो जीरो, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस जीरो, माइनस टू इंटू माइनस टू फोर, टू इंटू वन टू, तो यहाँ आ जाएगा माइनस टू, फिर टू इंटू जीरो जीरो, थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स बन जाएगा प्लस सिक्स, क्लियर है। इसी तरीके से दूसरा करेंगे, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, इट विल बिकम प्लस वन, फिर वन इंटू वन वन, फिर माइनस टू इंटू जीरो माइनस जीरो, फिर इसको इससे करेंगे माइनस टू इंटू वन, ये हो जाएगा टू, फिर माइनस जीरो, फिर माइनस वन इंटू टू टू, माइनस जीरो, जीरो इंटू टू जीरो, माइनस माइनस प्लस टू, फिर थ्री इंटू वन थ्री, माइनस माइनस प्लस टू। तो आप देखिए कि आपका एडजॉइंट ए जो है थ्री वन टू टू वन टू सिक्स टू फाइव, ये आ जाएगा। और ए इनवर्स का फार्मूला जैसे हम अप्लाई करेंगे, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू वन थी और एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो है थ्री टू सिक्स वन वन टू 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 फाइव। तो यहाँ से हमारा ए इनवर्स निकल करके जो आएगा वो आएगा थ्री टू सिक्स वन वन टू 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 फाइव। बहुत ही सिंपल मेथड से हमारा आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको। जो ट्रिक थी वो ये है कि ये जो वन टू माइनस टू माइनस वन थ्री जीरो जीरो माइनस टू वन, इन्हीं दो रो को रिपीट कर दीजिए, वन माइनस वन जीरो टू थ्री माइनस टू, फिर ऊपर के दो कॉलम को रिपीट, वन टू माइनस टू वन टू माइनस वन थ्री जीरो माइनस वन थ्री, इसको पहले वाले को और इसको कैंसल आउट कर दीजिए और बचे हुए का कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ
यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ले लीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इस तरीके से आपको अपने ऑपरेशंस लगाने हैं एंड विद इन ए नो टाइम आपका आंसर आपके कॉपी में नज़र आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैं हज़ारों की तादाद में आपको ट्रिक्स बता सकूँ और आपके सक्सेस का एक हिस्सा बन सकूँ। थैंक यू।